ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ह्यूम में उसका कॉजलिटी तक देख लिया था, थियरी ऑफ कॉजलिटी। ठीक है, थियरी ऑफ कॉजलिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, थियरी ऑफ कॉजलिटी। क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कांट हैज क्रिटिसाइज्ड ह्यूम। नाउ रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर, हाउ ह्यूम हैज रिफ्यूटेड मैटर। रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर, ठीक है। सो व्हाट ह्यूम सेज दैट अकॉर्डिंग टू ह्यूम वी नेवर फाइंड एनी इंप्रेशन और आइडियाज ऑफ मैटर। नीदर इंप्रेशन नॉर आइडियाज, ना तो आपके इंप्रेशन मिलते हैं और ना ही आइडियाज मिलते हैं। That's why matter is non-existent. Non-existent होगा ये, ठीक है। Matter is non-existent. या तो matter is non-existent लिख लो या फिर matter has no existence लिख लो, ठीक है। तो matter is non-existent. Matter does not exist. According to Hume, different objects are an aggregate of sensations only. ठीक है, सेंसेशंस मींस आइडियाज। इफ वी सेपरेट दिस सेंसेशंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट हैज नो एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, एन एप्पल इज एन एग्रीगेट ऑफ सेंसेशंस ऑफ रेडनेस, स्वीटनेस, राउंडनेस एक्सेट्रा। इफ वी सेपरेट दिस सेंसेशंस फ्रॉम एन एप्पल देन एप्पल हैज नो एग्जिस्टेंस। According to Hume, in reality, things like matter does not exist. So first thing, he has refuted matter. Simple है, कोई भी object आपका जो है वो sensation से सिर्फ। If I will separate sensations from an object, then there is no object. ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद में भी ऐसा ही था हमारा, बिल्कुल योगाचार विज्ञानवाद ऐसा ही था आपका। अगर आपको थोड़ा बहुत बुद्धिज्म याद होगा तो योगाचार विज्ञानवाद में इसी तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद ने ऐसी बात करी और बुद्धिज्म में सोल को भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया। सोल इज ए बंडल ऑफ आइडियाज। बंडल, ठीक है, बंडल ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो उसको क्या बोला है सोल को? पंच स्कंद। पंच स्कंद पांच एलिमेंट से मिलके बना है पंच स्कंद। ठीक है, तो अगर आप ह्यूम को देखो तो आप कंपेयर कर सकते हो किससे? योगाचार विज्ञानवाद से। योगाचार विज्ञानवाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो दोबारा एक बार देखेंगे। मैं बुद्धिज्म जैनिज्म और सांख्या दोबारा से आपको एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल टॉपिक है, रिफ्यूटेशन ऑफ मैटर। फिर आगे क्या रिफ्यूट करेगा वो? रिफ्यूटेशन ऑफ सोल। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस, रिफ्यूटेशन ऑफ सोल। ठीक है, सोल, क्योंकि देखो लॉक ने भी सोल को माना है, बर्कले ने भी माना है, एक ह्यूम है जिसने रिफ्यूट कर दिया। बिफोर ह्यूम सोल वॉज एक्सेप्टेड एज एटर्नल, परमानेंट, अनचेंजेबल एंटिटी। फिलोसफर्स सच एज डेकार्ट, Leibniz, etc. have accepted such notion of soul.
Hume has refuted Sol. According to him, we neither find any impression nor any idea of Sol. We neither find any impression nor any idea of soul, which is eternal, permanent and unchangeable. ठीक है जी, इसका भी इम्प्रेशन आइडिया में से आपको कुछ नहीं मिलता है. अब इसने क्या बोला आगे, ये इम्पोर्टेंट. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने दो तीन बार. He says that, please, ये याद रखना है ऐसे कैसे आपको. He says that, please show me any impression from which the idea of soul can be derived. कोई भी ऐसा इंप्रेशन बता दो जिससे सोल का आइडिया ड्राइव किया जा सके. ह्यूम फर्दर सेज दैट फॉर माय पार्ट व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माय सेल्फ. देखो ह्यूम का कहना यह कि जब भी मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं, ठीक है, व्हेन आई एंटर इनटू माय सेल्फ, जब भी मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं तो मैं सिर्फ, मुझे क्या दिखते है, सिर्फ परसेप्शन दिखते है. ठीक है, हीट का, कोल्ड का, लव का, हेट्रेड का, लाइट का, शेड का, ओनली परसेप्शन. विचार आते हैं ना आपके मन में, जैसे आप मन अंदर झांकने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे विचार आते हैं, परसेप्शन. लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई परसेप्शन नहीं दिखता जो ये बताए कि ये सोल है. ठीक है, तो इसलिए सोल जैसी कोई चीज नहीं होती. ठीक है, हमेशा हमें क्या मिलते, सिर्फ परसेप्शंस. तो जो लोग बोलते हैं कि सोल है इटर्नल, परमानेंट, अनचेंजेबल, ऐसी कोई चीज कभी मुझे अपने अंदर दिखाई नहीं देती, तो इसलिए सोल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, हमें सिर्फ क्या अंदर जब हम जागते तो क्या दिखता है, सिर्फ परसेप्शंस. ओके, सो व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माय सेल्फ देन आई ऑलवेज स्टंबल upon one perception or the another, that is of heat or cold. ठीक है, यहाँ पे और लगा लो, heat or cold, of pain or pleasure, of love or hatred, of light or shade, etc. ठीक है, perception मिलते हैं, कुछ भी मिल सकता है. I never can observe myself any point of time without a perception. And I never catch myself at any point of time without a perception. सिर्फ perception आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा होगा, perception हमेशा आते रहते हैं. He says that I always find the perception of one thing or another and never can find sensation of a thing which is soul, that is eternal, permanent and unchanged. बोला soul तो मुझे कभी नहीं दिखाई देती, मुझे सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, सिर्फ perception दिखाई देते हैं. Perceptions are real, soul is not real. तो soul जैसी कोई चीज exist नहीं. ठीक है, आगे क्या बोलता है. According to him, mind is like a theater. Mind is like a theater where different perceptions successively and continuously make their appearances. Theater होता है ना, अलग अलग artist आते हैं जाते हैं, ठीक है, acting करते हैं. तो mind is like a theater, जहां पे डिफरेंट परसेप्शन आते हैं और जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी मेरे को सोल जैसा कुछ नहीं दिखता है. ठीक है, ह्यूम व्यूज रिगार्डिंग सोल कैन बी कंपेयर्ड विद नो सोल थियरी ऑफ बुद्धिज्म. देखो पहले ही मैंने आपको बोला था, बुद्धिज्म की नो सोल थियरी को क्या बोलते हैं, अनात्मवाद और निरात्मवाद. यू कैन कंपेयर ह्यूम विथ बुद्धिज्म. ठीक है, ह्यूम को बुद्धिज्म से वैसे दोनों की फिलोसफी ऑलमोस्ट सिमिलर. सो ह्यूम्स थ्योरी कैन बी कंपेयर, ह्यूम्स थ्योरी ऑफ सोल कैन बी कंपेयर्ड विथ बुद्धिज्म, नैरात्वाद और अनात्वाद.
इज इट क्लियर? नैरात्मवाद या अनात्मवाद से इसको कंपेयर किया जा सकता है। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ऑल्सो प्रोपाउंडेड दैट सोल इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ फाइव एलिमेंट्स नोन एज पंच स्कंदा। अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर इज नो परमानेंट सेल्फ सच एज सोल which is considered as owner of thoughts because it is not perceived. आप perceive नहीं कर सकते soul को, इसलिए soul exist नहीं करती। ना उसका impression मिलता है, neither impression nor idea. ना soul का आपको impression मिलता है, ना idea मिलता है, तो soul perceive नहीं कर सकते, इसलिए soul exist नहीं करती। इसमें काम की बात क्या है कि वो क्या करता है, आपको ये स्टेटमेंट दे देता है। कौन सा वाला? ये वाला, प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ सोल कैन बी ड्राइव्ड। ठीक है, और फिर बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो या कमेंट करो। तो आपको पहले पता होना चाहिए स्टेटमेंट किसका, ये ह्यूम का स्टेटमेंट है। प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ सोल कैन बी ड्राइव्ड। या फिर दूसरा स्टेटमेंट वो कौन सा दे देगा, ये वाला, फॉर माई पार्ट। पहला दूसरा स्टेटमेंट कौन सा दे देगा, ये वाला, फॉर माई पार्ट व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माई सेल्फ देन आई ऑलवेज स्टंबल अपॉन वन परसेप्शन ऑफ द अनदर। इस पे आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा या कमेंट करने को बोलेगा। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए किसका है। तो ये किसका है, ये ह्यूम के स्टेटमेंट है। प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ सोल कैन बी डेड। ये आपको याद रखने हैं दोनों स्टेटमेंट। इसमें ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट आपको इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, क्रिटिसिज्म में भी यही होते हैं। ये देखो, फॉर माई पार्ट व्हेन आई, this I word is important, for my part when I enter most intimately into what I call myself, तो कांट क्या बोलेगा कि ह्यूम जब कह रहा है कि when I enter, when I enter, तो यहां पे जो I है ना, ये I soul को indicate करता है। बोला जब ह्यूम कहता है फॉर माई पार्ट व्हेन आई एंटर मोस्ट, तो यहाँ पे जो आई है वो सोल को इंडिकेट करता है। और दूसरी बात क्या बोलता है ये कि ह्यूम अपने अंदर सोल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर सोल फाइंड आउट नहीं हो रही है। वो जो एलिमेंट है जो सोल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो एलिमेंट खुद ही सोल है। There are two criticisms. पहला तो ये कि भाई आप जब आप बोलते हो फॉर माई पार्ट व्हेन आई एंटर, तो यहाँ पे ये आई जो है ये इटसेल्फ इंडिकेट सोल। और जो बोला जहां ह्यूम इसको सोल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वहां पे कोई सोल नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट सोल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है वो खुद सोल है। तो दीज आर टू क्रिटिसिजम्स बाय कांट, ये आपको याद रखने पेपर के लिए। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो, आपको ये पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, सोल का कहां से याद रखोगे, यहां से, रिफ्यूटेशन ऑफ सोल। ठीक है, 10 में आ सकता है, 15 में आ सकता है, 20 मार्क्स में आ सकता है। तो ये ऐसा कैसा मैंने समझा दिया, इसको याद रखना, कोई डाउट है यू कैन आंसर। थिएटर की स्पेलिंग सही कर ले, रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहीं डाउट हो तो यू कैन आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन आंसर, यू आर फ्री टू आंसर एनी डाउट, कोई इसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो यू कैन आंसर। सो नेक्स्ट इज रिफ्यूटेशन ऑफ गॉड। ह्यूम हैज रिफ्यूटेड गॉड, किस बेसिस पे रिफ्यूट किया है, वो ये कॉमन बेसिस है, नाइदर इंप्रेशन नॉर आइडिया। ना इंप्रेशन मिलता है ना आइडिया मिलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हिम
वी नीदर फाइंड एनी इंप्रेशन नॉर एनी आइडिया ऑफ गॉड. ही सेज दैट देयर इज नो वैलिड प्रूफ दैट कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. बिल्कुल सही है, कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं. अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज ए मैन मेड कंसेप्ट. जब हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे वहां पे ये चीज देखेंगे कि गॉड इज ए मैन मेड कंसेप्ट क्या है, तो वहां पे क्रिटिसिज्म में ये लिखेंगे गॉड इज ए मैन मेड कंसेप्ट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस. टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस. इन रियलिटी गॉड हैज नो एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज नेवर परसीव्ड. ठीक है, यहाँ तक तो वही बात है कि परसीव नहीं होता है, ना इंप्रेशन मिलते हैं ना हमें आइडियाज मिलते हैं, इसलिए गॉड को नहीं माना जा सकता. ठीक है, ये बात क्लियर है. ये ह्यूम के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, आप मानते हो कि गॉड को तो आप मानते हो. इन दिस मैनर, ठीक है, जो भी कोई रिफ्यूट करता है गॉड को क्या बोलता है, देखो गॉड ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, कैसे माने. और जो मानेगा वो कैसे मानेगा कि भाई आपके सबके अंदर भगवान है, दिखाई नहीं देते, फील करो. ठीक है, तो वो हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में पढ़ेंगे गॉड में, कितनी बड़ी दुनिया है कौन बना सकता है. तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ गॉड, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गॉड, वो सब देखेंगे हम गॉड में. इन दिस मैनर ह्यूम हैज रिफ्यूटेड मैटर गॉड एंड सोल दैट इज ऑल मेटाफिजिकल एंटिटीज. मेटाफिजिकल एंटिटीज को रिफ्यूट कर दिया. ही हैज ऑल्सो रिफ्यूटेड कॉज इफेक्ट थ्योरी, कॉज इफेक्ट थ्योरी को भी रिफ्यूट कर दिया. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड. इन दिस वे ह्यूम्स फिलॉसफी फाइनली कल्मिनेट्स इनटू समझ आ गया कैसे ह्यूम की फिलोसफी स्केप्टिसिज्म में कन्वर्ट हुई है. मैटर को रिफ्यूट कर दिया है इसने. मैटर में तो सारे ऑब्जेक्ट आ गए, इसने सोल को रिफ्यूट कर दिया है, इसने गॉड को भी रिफ्यूट कर दिया है, और साथ में इसने कॉज इफेक्ट थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया. चारवाक को जानते हो, चार्वाक ने भी कम से कम मैटर को तो माना था. इससे तो मैटर पे भी डाउट क्रिएट किया है, सोल पे भी, गॉड पे भी, और साइंस पे भी. दैट्स व्हाई फाइनली हिज थियरी लीड्स टू स्केप्टिसिज्म. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो. फाइनली हिज थियरी लीड्स टू स्केप्टिसिज्म. अब सोल थ्योरी का क्रिटिसिज्म, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. जैसे आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा क्रिटिकली एग्जामिन ह्यूम्स सोल थ्योरी, क्रिटिकली एग्जामिन ह्यूम्स सोल थ्योरी. तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आपको क्रिटिसिज्म्स लिखने, पहले तो सोल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिखो कि भाई उसने क्या बोला है. वी ऑलवेज फाइंड परसेप्शंस, वी नेवर फाइंड, ठीक है, वी नेवर फाइंड सोल. ठीक है, तो सोल डज नॉट, सोल हैज नो एग्जिस्टेंस. अब उसके बाद क्रिटिसिज्म्स लिखने, पहले मैंने आपको समझाया था जैसे उसमें कॉजलिटी में, पहले थोड़ा आप उसके बारे में लिखो, थोड़ा सा ब्रीफ में उसके बारे में लिखो कि सोल थ्योरी है क्या, फिर ब्रीफ में लिखने के बाद उसको क्रिटिसाइज करो. तो ह्यूम को क्रिटिसाइज करने वाला कौन है, कांट. ह्यूम को क्रिटिसाइज करने वाला है कांट. ठीक है, तो कांट क्या बोलता है, पहला देखो आप. कांट पहला बोलता है कि सोल तो भाई सबसे जरूरी है हर चीज के लिए,
बोला सोल के बिना एक्सपीरियंस पॉसिबल ही नहीं, सोल के बिना नॉलेज पॉसिबल ही नहीं। बोला आप सोल अगर नहीं मानोगे तो नॉलेज पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, सोल जो है ना वो सब्जेक्ट है, सोल इज सब्जेक्ट। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये इससे आपको सारे क्रिटिसिजम्स क्लियर रहेंगे। सोल इज सब्जेक्ट, ठीक है। सोल हमेशा क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सोल क्या है, नोअर है, उसको नॉलेज मिलती है। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, अगर आप उसको सोल को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देखो सोल नोअर है, नोअर है तो सोल को नॉलेज मिलती है। लेकिन अगर आप सोल की नॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो सोल क्या बन जाएगी आपकी, सोल आपकी बन जाएगी नोएबल ऑब्जेक्ट। और एक बार वो नोएबल बन गई तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गई फिर, और अगर वो ऑब्जेक्ट हो गई तो वो अपना रियल कैरेक्टर जो है वो उसका खत्म हो जाएगा। रियल कैरेक्टर क्या है उसका, सोल इज इटर्नल परमानेंट एंड अनचेंजेबल। सेम चीज अप्लाई होती है गॉड के लिए। कहते हैं कि गॉड की नॉलेज पॉसिबल नहीं है, इसलिए गॉड नहीं होता। तो जो आपके रिलीजियस पर्सन है वो क्या कहते हैं कि गॉड को नॉलेज, अगर आप गॉड की नॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो गॉड विल बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कैसा होता है, इम्परमानेंट, चेंजेबल, पेरिशेबल, ठीक है। तो अगर गॉड को आप ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की तरह ट्रीट करोगे तो गॉड विल बिकम इम्परमानेंट, चेंजेबल, ठीक है, तो इम्परफेक्ट। इसलिए जो ये गॉड है, सोल है, इनको आप एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह होंगे। जैसे गॉड है, गॉड को सब चीज की नॉलेज है, अगर आप गॉड की नॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो गॉड विल बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बन गया तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का मतलब तो क्या है, गॉड कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, इम्परफेक्ट, ठीक है, चेंजेबल, ओके, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन गॉड कैसा है, गॉड तो आपका इनफाइनाइट है, परफेक्ट है, अनचेंजेबल है, एटर्नल है, सुप्रीम है। तो क्या आप गॉड की नॉलेज फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं। दूसरी चीज क्या है कि गॉड इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी गॉड के बारे में यहां बात थोड़ी सी कर लेते हैं। गॉड आपका कैसा है, गॉड इज इनफाइनाइट। हम जो भी मानता है, जो रिलीजियस पर्सन है या जो गॉड में बिलीव करता है, वो क्या मानेगा कि ये वर्ल्ड जो है ये किसने बनाया, गॉड ने बनाया, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, यही मानता है वो। तो जब इतना बड़ा वर्ल्ड उसने बनाया है, वो इनफाइनाइट है, और हम क्या है, वी आर फाइनाइट, हम तो छोटे मोटे तुच्छ मानव है। तो क्या कोई फाइनाइट चीज किसी इनफाइनाइट चीज की नॉलेज पा सकती है, नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उसकी नॉलेज पाने के लिए हमें कम से कम उसके बराबर बनना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मानो गॉड को, तो गॉड इज अवर क्रिएटर, तो जो क्रिएटर है वो तो सुप्रीम है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज कैसे मिल सकती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो इनफाइनाइट है, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड बनाया, हमें इस वर्ल्ड की पूरी नॉलेज नहीं है, तो जिसने इसको बनाया उसके बारे में हमें नॉलेज कैसे मिल सकती है। उसको सिर्फ माना जा सकता है फेथ और बिलीफ के बेसिस पर। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द नॉलेज ऑफ गॉड, because God is infinite. Second thing, if you try to find out the knowledge of God, then God will become an object of knowledge. और object of knowledge की तरह treat करोगे तो God will not remain supreme. Same soul के लिए, soul is always a knower. Soul हमेशा subject की तरह treat होगा. Subject मतलब one who finds the knowledge. Soul को आप object की तरह treat नहीं कर सकते. अगर सोल को आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो सोल अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, परमानेंट, अनचेंजेबल, एटर्नल, वो कैरेक्टर उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है, और ये क्रिटिसिज्म आपका हर जगह पे काम आएगा, ये सेम क्रिटिसिज्म बार बार यूज होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या बोला है इसमें। क्रिटिसिजम्स आर इंपॉर्टेंट, यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम मी, ठीक है। तो पहला क्या है,
अकॉर्डिंग टू कांट आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस दैट इज सोल इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फाइंडिंग ऑल नॉलेज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इसके आगे मिसिंग है. नॉलेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस कॉन्शियस एलिमेंट. Knowledge is not possible without a conscious element. ये लिख लेना है यहाँ पे. And this conscious element is known as soul. So according to him, knowledge is not possible without a conscious element, and this conscious element is known as soul. ठीक है, तो फर्स्ट इज जो मैंने अभी आपको समझाया कि सोल जरूरी है, सबसे जरूरी है किसी भी नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, सोल से एक्सपीरियंस मिलेगा, सोल से नॉलेज, क्योंकि सोल को ही नॉलेज मिलती है, सोल को एक्सपीरियंस मिलता है, तो सोल को तो मानना पड़ेगा आपको. ठीक है, वो हम देख चुके हैं इंडियन में. सेकेंड क्या है, दिस सेल्फ. देखो, सोल के लिए दोनों वर्ड यूज होते हैं, सेल्फ भी और सोल भी. The self is a knower, and a knower is always a subject and cannot be treated as an object of knowledge. If soul is treated as knowable means object of knowledge, that is, if we try to find out the knowledge of soul, then it will become an object of knowledge and loses its real character. That is eternal, permanent and unchangeable character. ठीक है, अभी समझाया. सेकंड पॉइंट, सेल्फ हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट, नोअर. नोअर है, नोअर हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट. जैसे गॉड के केस में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है. अगर आप गॉड की नॉलेज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. और आपको पता है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी हो, वो कैसे हैं, पेरिशेबल है, इनपरमानेंट है, चेंजेबल है. लेकिन ऐसा नहीं है. सोल भी आपकी कैसी, इटर्नल, परमानेंट, अनचेंजेबल. सोल नोवर है. नोवर को आप कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, याद रखना दिमाग में. समझाया मैंने अभी आपको, लेकिन आप फिर भी याद रखना कि क्यों ट्रीट नहीं कर सकते, उसका रीजन मैंने आपको बताया. तो नोवर हमेशा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा. ये चीजें वापस से फिलोसफी ऑफ रिलीजन में रिपीट होगा, जब गॉड की हम बात करेंगे, जब सोल की हम बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज सेड दैट द प्लेस वेयर ह्यूम इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल, देयर इज नो सोल, बट द एलिमेंट हु इज ट्राइंग टू फाइंड द सोल इज इटसेल्फ सोल. इज इट क्लियर? मैंने अभी क्लियर किया था वहां पे कि जहां कोशिश कर रहा है पाने की वहां नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट उसको ढूंढ रहा है वो एलिमेंट खुद सोल है. फिर नेक्स्ट क्या है क्रिटिसिज्म, ह्यूम सेज दैट फॉर माय पार्ट व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली, आगे डैश डैश डैश, पेपर में भी ऐसे लिखना, पूरा मत लिखने लग जाना, डैश 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 का मतलब ये कि हाँ मुझे आता है, डॉट डॉट डॉट, हियर द टर्म आई itself indicates. ठीक है, तो ये चारों criticisms, ये criticisms, these are very important criticisms. ठीक है, ये criticisms आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो आप फिर भी doubt पूछ सकते हो. ठीक है, कोई भी doubt हो इन criticism में you can ask. Is Hume a skeptic? क्या Hume skeptic है? लेकिन देखो, Hume को आप पूरी तरह से skeptic नहीं कह सकते. पूरी तरह से स्केप्टिक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसने नॉलेज को डिनाई नहीं किया है. उसने नॉलेज को डिनाई नहीं किया है, उसने सिर्फ किसको डिनाई किया, अनडाउटेबल नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस.
दूसरी बात, ह्यूम ने कम से कम लॉजिक और मैथ में अनडाउटेबल नॉलेज मानी है, हमने देखा था रिलेशन ऑफ आइडियाज, लॉजिक और मैथ्स में उसने क्या मानी, अनडाउटेबल नॉलेज मानी, ठीक है। तो ह्यूम के हिसाब से अगर ह्यूम को देखे, अगर नॉलेज आपकी प्रोबेबल नॉलेज है, क्योंकि साइंस में तो प्रोबेबल नॉलेज ही मिलती है, अगर नॉलेज मींस प्रोबेबल नॉलेज तो ह्यूम स्केप्टिक नहीं है। और नॉलेज का मतलब अगर आपकी वो हो अनडाउटेबल नॉलेज, सर्टेन अनडाउटेबल नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ह्यूम स्केप्टिक है। तो जब भी कोई आंसर लिखो तो उसमें दोनों एंगल देखने होते हैं कि क्या ये स्केप्टिक है या ये स्केप्टिक नहीं है। तो अगर हम देखें, स्केप्टिसिज्म मींस ऑल आवर नॉलेज इज डाउटेबल इन नेचर। इट इज सेड दैट लॉक्स एम्पिरिसिज्म फाइनली कल्मिनेट्स इनटू स्केप्टिसिज्म इन ह्यूम्स फिलोसफी। ऑल्दो The seeds of skepticism were present in Locke's philosophy. Locke has accepted experience as the only source of valid knowledge. According to him, in experience we find ideas through sensation and reflection. ये पढ़ चुके हैं हम पहले। He says that ideas are the direct object of our knowledge and we never perceive the objects directly. It's a representative realism. Regarding this, he has propounded representative realism, according to which ideas represent the object. Okay? The problem with Locke's philosophy was that if we never perceive the objects directly, then how can we say that our ideas represent the objects? वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है आपके, ये हम लॉक में डिटेल में देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली आपको कभी नहीं दिखते, पहले आपको आइडियाज दिखेंगे और उन आइडियाज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट आप इन्फर करते हो। तो जब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं दिख रहे तो हम कैसे मान ले कि ऑब्जेक्ट एक्जिस्ट करते हैं। तो सीड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म तो लॉक से प्रेजेंट है। तो आगे क्या कहता है, फर्दर मोर रिगार्डिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स लॉक हैज सेड दैट देयर इज समथिंग बट आई नो नॉट व्हाट। ये याद रखना है, ये वाली लाइन, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये इसका मतलब क्या है। ये लॉक ने बोला है देयर इज समथिंग बट आई नो नॉट वॉट, ये किसके रिगार्डिंग बोला है, इसने ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता क्या है। इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली आप मान ही नहीं रहे, आपको दिख ही नहीं रहे। तो ह्यूम यही तो कहता है कि हम कैसे मान ले कि भाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके आइडियाज ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए तो बर्कले ने रिफ्यूट किया था इसी ग्राउंड पे, तो इसके ऑब्जेक्ट को बर्कले ने इसी ग्राउंड पे कि आइडियाज का, आइडियाज तो मेंटल है, वो कैसे किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्केप्टिसिज्म के बीज जो है, सीड्स जो है, वो तो किसमें प्रेजेंट है, लॉक में ही। जब लॉक ने कहा कि देयर इज समथिंग बाई बट आई नो नॉट व्हाट, दीज थिंग्स क्रिएट डाउट इन लॉक्स फिलोसफी एंड लीड टू सीड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म। क्लियर है? कई बार आपसे पूछा जाता है इज लॉक ए Is Locke an inconsistent philosopher? हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम्स है ना उसके फिलोसफी में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। सीड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म आर देयर, ठीक है। उसने कोशिश तो बहुत की है लेकिन वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली वो रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म मान रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली तो हमारे आइडियाज रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट्स हमें डायरेक्टली नहीं दिखते, हमारे आइडियाज उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में इसने ये वाली लाइन भी बोल दी, इट क्रिएट्स डाउट। फिर उसने गॉड और सोल को बिना एक्सपीरियंस किए मान लिया है, माना है ना लॉक ने, लेकिन वो गलत है ना भैया। आप
अगर आप रैशनलिस्ट हो तो मान लो तो ठीक है, लेकिन आपने तो गॉड और सोल को बिना एक्सपीरियंस किए मान लिया। ये सब चीजें हम लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो। आगे चलते हैं, दोनों एंगल से देखेंगे कि स्केप्टिक है या नहीं। अलोंग विथ, देखो, अलोंग विथ साइकोलॉजिकल इंपेरिसिज्म, इंपेरिसिज्म जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने तीन तरह के आपको इंपेरिसिज्म समझाया था, साइकोलॉजिकल, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल समझाया था, एक आपको मैंने समझाया था लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वाला लॉजिकल इंपेरिसिज्म, और तीसरा मैंने क्वाइन का रेडिकल इंपेरिसिज्म, ठीक है, जब इंट्रोडक्टरी क्लास लेते तो। साइकोलॉजिकल इंपेरिसिज्म किसका है, लॉक, बर्कले और ह्यूम का। अलोंग विद साइकोलॉजिकल इंपेरिसिज्म दैट इज प्रोपाउंडेड बाय लॉक, बर्कले एंड ह्यूम, देयर आर टू कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ इंपेरिसिज्म नोन एज लॉजिकल इंपेरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये हमारे सिलेबस में इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है सर। एंड प्रैग्मेटिज्म, पहले प्रैग्मेटिज्म आपके सिलेबस में था, लेकिन अब जब आपका सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ठीक है, अमेंड हुआ है, तो ये हटा दिया गया है, प्रैग्मेटिज्म अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पहले आपके सिलेबस में प्रैग्मेटिज्म और उससे हर साल क्वेश्चन आता है, तो प्रैग्मेटिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये दो फॉर्म और है, बोथ दिस फॉर्म्स ऑफ इंपेरिसिज्म एक्सेप्ट्स द प्रोबेबल नॉलेज, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों फॉर्म जो होती है वो प्रोबेबल नॉलेज को भी कंसीडर करती है कि प्रोबेबल नॉलेज भी फॉर्म ऑफ नॉलेज, सो दे कंसीडर प्रोबेबल नॉलेज एज फॉर्म ऑफ नॉलेज। इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म इवन कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स, कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, Sometimes true, sometimes false. जो कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं, जैसे बोर्ड इज वाइट, ये दोनों दो पॉसिबिलिटी इसमें, या तो बोर्ड वाइट होगा, ठीक है, या तो ट्रू होगा, या बोर्ड आपका क्या हो सकता है दूसरे कलर का होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो कभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कभी ये फॉल्स हो सकता है, इनको कहते हैं कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स, जो कभी ट्रू होते हैं कभी फॉल्स होते हैं, ठीक है। बोथ दिस इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म इवन कंटिंजेंट स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स आर आल्सो एक्सेप्टेड एज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मानते हैं हम इनको, बोर्ड इज वाइट, ठीक है। इट इज सेड दैट इफ नॉलेज मीन्स सर्टेन अनडाउटेबल एंड नेसेसरी नॉलेज then Hume can be accepted as a skeptic. But if knowledge is accepted as probable knowledge, like two contemporary forms of empiricism, then Hume's philosophy does not culminate into skepticism. समझ गया आप बात को? अगर knowledge आपकी probable knowledge है, तो Hume skeptic नहीं है। और नॉलेज का मतलब सर्टेन नेसेसरी एंड अनडाउटेबल नॉलेज है, देन ह्यूम इज ए स्केप्टिक, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों एंगल से देखना है कि भाई ह्यूम स्केप्टिक है या नहीं है, तो किस पे डिपेंड करता है, नॉलेज, ठीक है, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्या है देखिए, Hume has not created doubt upon his method and conclusion. देखो, उसने खुद के method और conclusion को तो माना ही है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो वो पूरी तरह से तो skeptic है नहीं। Actually, complete skepticism is not possible. When Hume is saying that all our knowledge is doubtable in nature, at that point of time he at least accepts the truthfulness of this statement. खुद के स्टेटमेंट को तो मान ही रहा है ना वो सही, तो complete skepticism तो वैसे ही possible नहीं है। Furthermore, Hume has also accepted undoubtable knowledge in the field of logic and mathematics, relation of ideas.
फाइनली इट इज सेड दैट ह्यूम हैज नॉट डिनाइड नॉलेज बट ही हैज डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन नेसेसरी एंड अनडाउटेबल नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. Through skepticism, Hume has tried to separate philosophy from blind faith and presupposition. In reality, Hume's skepticism is not a skepticism in action, rather it is academic skepticism. उसने reality में skepticism को नहीं माना है. लेकिन डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू स्केप्टिसिज्म को माना है कि भाई मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, आप अगर प्रूव करना चाहते हो तो आप प्रूव करो. फिलोसफर्स रिगार्ड ह्यूम एज ए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट पॉजिटिविस्ट. बहुत गलती है पॉजिटिविस्ट बिकॉज ऑफ हिज व्यूज लॉजिकल पॉजिटिविस्ट VIST. स्केप्टिसिज्म में हम कह सकते हैं कि ह्यूम जो है आपका वो अगर कुछ पॉइंट पे देखें सिर्फ नॉलेज को हम सर्टेन नेसेसरी और अनडाउटेबल माने तो ह्यूम स्केप्टिक है. लेकिन वहां पे भी कंप्लीट स्केप्टिसिज्म पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जब भी ह्यूम कुछ भी कह रहा है तो उस चीज को तो वो मान ही रहा है ना. अपनी बात पे तो डाउट क्रिएट नहीं कर रहा. तो जब अपनी बात पे डाउट क्रिएट नहीं कर रहा इसका मतलब कंप्लीट स्केप्टिसिज्म इज नॉट पॉसिबल. कंप्लीट स्केप्टिसिज्म कहीं पे नहीं हो सकता. तो दिस इज योर स्केप्टिसिज्म. ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क. ठीक है, यहां पढ़ेंगे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आगे यहां से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक ह्यूम का प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन. ठीक है, ये इसका लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन. आपको पता ही है कि साइंस किस पे बेस्ड है, इंडक्शन. और इंडक्शन में हम क्या करते हैं आपको मैंने पहले भी समझाया था. इंडक्शन में क्या करते हैं इंडक्शन कैसे काम करता है. इंडक्शन ऐसे काम करता है राम इज मॉर्टल श्याम इज मॉर्टल मोहन इज मॉर्टल देयरफोर ऑल मैन आर मॉर्टल. A is a thief. B is a thief. C is a thief. Therefore, all men are thieves. अब देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, ये पर्टिकुलर था, ये पर्टिकुलर. कुछ पर्टिकुलर के बेसिस पर हमने यूनिवर्सल कंक्लूजन निकाला. लेकिन क्या आप कुछ लोगों को देख के बोल सकते हो कि सारे लोग मॉर्टल हैं? ऐसे क्या आप तीन लोगों को देख के, तीन लोग थीप हैं, उनको देख के बोल सकते हो ऑल मैन आर थीप्स? नहीं. ये इंडक्शन है. इंडक्शन में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे आप यूनिवर्सल कंक्लूजन ड्रॉ करते हो. साइंस इसी पे काम करती है. साइंस इसी पे काम करती है. जैसे अभी कोविड है, COVID-19 में आपकी कोविशील्ड ले लो, या आपकी कोवैक्सीन ले लो, क्या ये सारे लोगों पे ट्राई करी गई है? नहीं. कुछ लोगों पे ट्राई करी गई,
और फिर बोला गया कि कोविशील्ड लेने से आप ले लो या कोई भी ले ले, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोगों में नहीं हुई, या बहुत लोगों में सिम्टम्स अलग आए, बहुत लोगों में सिम्टम्स अलग आए। यानी यहाँ पे क्या है, आप कुछ पर्टिकुलर लोगों पे ट्राई करके और उस चीज को यूनिवर्सलाइज करते हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ये आपका डाउटेबल है। ठीक है, जो ये बोलती है साइंस डाउटेबल है। क्यों डाउटेबल है? क्योंकि आपने सारे केसेस तो कंसिडर नहीं किए। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर के बेसिस पे यूनिवर्सल कंक्लूजन निकालते हो, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, याद हो तो, चार्वाक, चार्वाक ने भी यही बोला था कि कुछ परसीव्ड केसेस पे अगर आप यूनिवर्सल कंक्लूजन निकालते हो, इट लीड्स टू फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। तो इंडक्शन का पहला प्रॉब्लम क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। फिर दूसरी चीज क्या है, मान लो आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ट्राई करी, ठीक है, किसी पे भी आपने अप्लाई करी, लेकिन आज की डेट में जो कंडीशंस हैं, आज की डेट में जो कंडीशंस हैं, क्या कल की डेट में भी वही कंडीशन रहेंगी क्या? नहीं। साइंस जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करती है तो साइंस मान के चलती है कि पहले भी कंडीशंस यूनिफॉर्म थी, अब भी कंडीशन यूनिफॉर्म है, आगे भी सेम रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंडीशंस कीप्स ऑन चेंजिंग। आगे जाके हो सकता है इसमें म्यूटेशन आ जाए, कोविशील्ड कोवैक्सीन कुछ काम नहीं कर। तो आप ये मान के चल रहे हो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगर आपके आज काम कर रही है तो क्या वो एक साल बाद काम करेगी? नहीं। या फिर दूसरा एग्जांपल आप डीडीटी का ले लो। जब हमने बोला डीडीटी आप यूज करोगे तो मच्छरों को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो साइंस जब भी कोई चीज थ्योरी देती है तो क्या मानती है कि चीजें आपकी पास्ट में जैसी थी वैसी प्रेजेंट में रहेंगी, वैसी फ्यूचर में रहेंगी कंडीशंस। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। कंडीशंस तो आपकी चेंज होती रहती है। तो इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में पहली प्रॉब्लम तो क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। और दूसरी बात, ये जो आप यूनिफॉर्मिटी मानते हो, ये किस बेसिस पे मानते हो? चीजें तो चेंज होती है, लेकिन आप जो ये लॉ दे रहे हो ये यूनिफॉर्मिटी मान के दे रहे हो, तो ये यूनिफॉर्मिटी मानना ही अपने आप में एक इंडक्शन है। आप अज्यूम कर रहे हो कि चीजें यूनिफॉर्म रहेगी, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन को इंडक्शन के बेसिस पे अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर फैलेसी। तो देयर आर टू प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इज फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन, सेकंड इज सर्कुलर फैलेसी। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आप देखें प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रॉब्लम, इन इंडक्शन वी प्रोसीड फ्रॉम सम परसीव्ड फैक्ट्स टुवर्ड्स द यूनिवर्सल कंक्लूजन। साइंस इज बेस्ड ऑन इंडक्शन। In science, on the basis है, on the basis of some particular facts, universal conclusion is derived. According to Hume, method of induction is not a legitimate method. There are two problems in method of induction. पहला क्या है? In induction, on the basis of some perceived facts, universal and undoubtable conclusion is derived, which is not a legitimate process. He says that if on the basis of some type of facts, universal fact is derived, then it will, then it will lead to fallacy of illicit generalization. So,
अकॉर्डिंग टू ह्यूम इंडक्शन इज नॉट ए लेजिटिमेट प्रोसेस टू फाइंड सर्टेन एंड अनडाउटेबल नॉलेज. तो पहला प्रॉब्लम क्या है आपका, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन, ठीक है, वही आपका जो हमने चार वास में पढ़ा. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, फॉर द मेथड ऑफ इंडक्शन साइंस एक्सेप्ट लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. दिस लॉ सेज दैट थिंग्स विल रिमेन यूनिफॉर्म इन द पास्ट एंड द फ्यूचर. अकॉर्डिंग टू ह्यूम दिस लॉ इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ इंडक्शन बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन. He says that if induction is proved on the basis of this law, which is itself an induction, then circular fallacy or petitio principi will arise. Is it clear? ठीक है जी, तो ये आपका खत्म होता है ह्यूम का कंप्लीट. ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन तीनों का. बस कंपैरिजन देखेंगे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे फाइल, दिख रही है आपको? आपको ये फाइल दिख रही है, वर्ड वर्ड फाइल? ये सब तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक, कंपैरिजन देख लेते हैं. ठीक, देखिए ये देखिए, सबसे पहले आपका लॉक, ठीक है, ये लॉक है आपका. लॉक का एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, आपके उसमें बना हुआ है नोट्स में भी डायग्राम. लॉक में नोवर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल, नोएबल मींस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. अब देखो लॉक क्या बोलता है, लॉक ने सोल को माना है, तो लॉक के लिए सोल नोवर है, नोवर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल. अब देखो नॉलेज आपको किससे मिलती है, लॉक में सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू, आपको थ्रू सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन क्या मिलते हैं, आइडियाज. आइडियाज किस फॉर्म में मिलते हैं, प्राइमरी क्वालिटीज की फॉर्म में और सेकेंडरी क्वालिटीज की फॉर्म में. प्राइमरी क्वालिटीज का ग्राउंड आपका क्या था, मटेरियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ग्राउंड ऑफ प्राइमरी क्वालिटीज मटेरियल ऑब्जेक्ट, एंड ग्राउंड ऑफ सेकेंडरी क्वालिटीज नोवर और सोल, ये हम देख चुके हैं लॉक में. और प्राइमरी क्वालिटीज आपकी कितने तरीके थी, सिक्स टाइप्स. ठीक है, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है, वापस से उन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं. अगर आप आगे देखें तो लॉक की जो थियरी, दैट इज थ्री फैक्टर थियरी, तीनों फैक्टर है यहाँ पे. देखो नोवर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, नॉलेज भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे नोएबल भी प्रेजेंट है. ये तीन फैक्टर कहलाते हैं नॉलेज के, नोवर नॉलेज नोएबल, तो तीनों प्रेजेंट है. फिर इसकी थियरी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में, इसके हिसाब से नो आइडिया इज एक्सेप्टेड एज इनेट आइडिया. और इसका फेमस स्टेटमेंट क्या है, There is nothing in intellect which was not previously in our senses. ये स्टेटमेंट याद है. तो ये हो गया आपका लॉ. ठीक है, अब आ जाओ आप ह्यूम पे. ठीक है, सेकेंड इज योर ह्यूम. तो ह्यूम का क्या है, ये देखो ह्यूम का, ह्यूम में भी सेम वही, नोवर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल. ठीक है, अब इसने क्या है, नोवर यानी सोल, सोल को इसने माना ही नहीं है. सोल हैज नो एग्जिस्टेंस बिकॉज नीदर एनी इंप्रेशन नॉर एनी आइडिया.
सोल इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ चेंजिंग परसेप्शन और इंप्रेशन. नॉलेज में हमें क्या मिलता है, इंप्रेशन और आइडियाज, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू. इसने मैटर को भी नहीं माना है, यानी नोएबल को, नोएबल मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. नीदर इंप्रेशन नॉर एनी आइडिया, एग्रीगेट ऑफ सेंसेशन ओनली. फॉर एग्जाम्पल एप्पल. तो इसकी वन फैक्टर थियरी है, ठीक है, वन फैक्टर ही है सिर्फ. एक्सपीरियंस की बात करता है, ना इसको माना ना इसको माना. स्केप्टिसिज्म है. इंप्रेशन सबसे पहले टर्म यूज करी किसने, ह्यूम ने. ओनली इंप्रेशन एंड आइडियाज हैव एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ह्यूम. फिर आगे क्या बोलता है, नो मैटर नो सोल नो गॉड. कुछ नहीं माना, ना सोल को माना है, ना मैटर को माना है, ना गॉड को माना है. कॉजेलिटी थ्योरी अभी हमने डिटेल में पढ़ी, और प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन ये सब देख चुके. अब आ जाओ बर्कले पे. बर्कले के हिसाब से भी नोवर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल. इसने नोएबल को तो माना नहीं है, इसने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को रिफ्यूट कर दिया, ठीक है. फिर आइडियाज मिलते हैं, तो इसने प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट कर दिया. प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट किया था, इसके हिसाब से सारी सेकेंडरी क्वालिटीज होती है, और सारी सेकेंडरी क्वालिटी, सारी की सारी क्वालिटी सेकेंडरी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, सब कुछ नोवर पे. तो इसने प्राइमरी क्वालिटीज को रिफ्यूट कर दिया, मटेरियल ऑब्जेक्ट को रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि मटेरियल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती थी प्राइमरी क्वालिटीज. वो हम देख चुके हैं, इसने सबसे पहले प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी के डिफरेंस को खत्म किया, और बाद में फाइनली क्या बोलता है कि सारी सेकेंडरी क्वालिटीज होती है. तो प्राइमरी क्वालिटीज होती नहीं है, तो उनका जो ग्राउंड था मटेरियल ऑब्जेक्ट, उसको मानने की जरूरत नहीं. ये हम देख चुके हैं डिटेल में जब हमने बर्कले पढ़ा था, ठीक है. तो इसकी टू फैक्टर थियरी है, ठीक है, टू फैक्टर थियरी है ना. इसने नोअर को माना है, नॉलेज को माना है, सिर्फ नोएबल को नहीं माना. आइडियलिज्म में कन्वर्ट, आइडियलिज्म में फाइनलिस्ट का कल्मिनेट होता है सोल और आइडियाज को एग्जिस्टेंस से. सिर्फ नैरो सेंस में सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, और ब्रॉड सेंस में ऑब्जेक्टिव है. ये हमने क्रिटिसिज्म में देखा था डिटेल में. और इसका फेमस स्टेटमेंट क्या है, एसेइस्ट परसीपी टू बी इज टू बी परसीव्ड एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन. इसी का मतलब है दोनों, ठीक है. तो ये तीनों का आपका कंपैरिजन एक साथ. अब देख लेते टेबुलर कंपैरिजन किस तरीके से किया गया. डिफरेंस बिटवीन लॉक बर्कले एंड, ठीक है, तीनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं एक एक करके. डिफरेंस बिटवीन लॉक बर्कले, देखो लॉक की थ्री फैक्टर थियरी है, बर्कले की टू फैक्टर, और ह्यूम की वन फैक्टर. समझ गए. लॉक ने आपके मटेरियल सब्सटेंस को भी माना है और स्पिरिचुअल को भी माना है, दोनों को माना है इसने. बर्कले ने आपके मैटर को नहीं माना, तो बर्कले ने सिर्फ स्पिरिचुअल को माना है, और इसने तो किसी को नहीं माना, ना मेटेरियल को माना है ना स्पिरिचुअल को माना है, दोनों को रिफ्यूट कर दिया. फिर लॉक का एम्पिरिसिज्म फाइनली किसमें कल्मिनेट होता है, रियलिज्म में. बर्कले का किसमें कल्मिनेट होता है, आइडियलिज्म में. और इसका किसमें कल्मिनेट होता है, स्केप्टिसिज्म. फिर लॉक ने प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज में डिफ्रेंशिएट किया. उसने बोला मेटेरियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्राइमरी क्वालिटीज का ग्राउंड होता है, और जबकि नोवर आपका सेकेंडरी क्वालिटीज का ग्राउंड होता है. इसने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में रिफ्यूट कर दिया डिफरेंस. इसने बोला कि सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं जो सिर्फ नोवर पे डिपेंड करती है, प्राइमरी क्वालिटी जैसा कुछ नहीं होता. ह्यूम ने इनके बारे में कोई बात नहीं किया, ठीक है. फिर लॉक बोलता है सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से हमें क्या मिलता है, आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटीज. इसने क्या बोला है, एक्सपीरियंस में हमें क्या मिलते हैं, आइडियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन नोवर. इसने बोला इन एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इंप्रेशन एंड आइडियाज आर दी फेंट इमेजेस ऑफ इंप्रेशन, ठीक है. और लास्ट इसका स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट क्या है, अवर माइंड इज लाइक टेबुला रसा, ठीक है. अवर माइंड इज लाइक टेबुला रसा, देयर इज नथिंग इन इंटेलेक्ट दैट वॉज नॉट प्रीवियसली इन अवर सेंसेस, ठीक है. यही बात बोली है इसने अभी देखा हमने. अवर माइंड इज लाइक टेबुला रसा, देयर इज नथिंग इन इंटेलेक्ट दैट वॉज प्रीवियसली नॉट इन अवर सेंसेस. इसका फेमस स्टेटमेंट एसेइस्ट परसीपी अभी डिस्कस किया, और इसका फेमस स्टेटमेंट है ऑल मेटाफिजिक्स शुड बी कमिटेड टू फ्लेम, ठीक है. ह्यूम का फेमस स्टेटमेंट क्या है, ऑल मेटाफिजिक्स
शुड बी कमिटेड टू फ्लेम। ऐसा क्यों बोला इसने? देखो ना तो इसने मैटर को माना, ना इसने सोल को माना, ना इसने गॉड को माना, ना इसने कॉज इफेक्ट थ्योरी को माना। ये सब मेटाफिजिक्स का पार्ट है, मैटर, गॉड, सोल, ठीक है। तो इसने किसी को नहीं माना, क्योंकि ना तो इंप्रेशन ना आइडिया, कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं। इसलिए इसने बोला कि सारी मेटाफिजिक्स जो है इट शुड बी कमिटेड टू फ्लेम। इसका कोई लॉजिकली इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ही हैज सेड ऑल मेटाफिजिक्स शुड बी कमिटेड टू फ्लेम। स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको, इसमें तो स्क्रीनशॉट जैसा कुछ है। तो दिस कंप्लीट्स योर लॉक, बर्कले एंड ह्यूम, ठीक है, कंपैरिजन के साथ कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क, कांट हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, कांट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।